स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव में देश विदेशी पर्यटक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। महोत्सव में आज तीसरे दिन डेडा नसर मैदान में आज ऊंटों से जुड़ी स्पर्धाएं आयोजित की गई। इस दौरान रोमांचक और हैरत अंगेज करतबों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं वायुसेना ने एयर वॉरियर ड्रिल का आयोजन कर अपने पराक्रम और शौर्य से लोगों को अभिभूत किया। इसके अलावा मरु महोत्सव में महिलाओं के लिए पणिहारी मटका दौड़, रस्साकशी और ऊंट श्रृंगार जैसी कई प्रतियोगिताएं हुई। इसके अलावा पर्यटकों के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज हम इधर आया है, पार्टिसिपेंट किया है और हम विनर है। इधर आया है, बहुत सुना है डिजर्ट फेस्टिवल के बारे में, बहुत कलरफुल गॉर्जियस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई वी आर 15 पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई कम टू जैसलमेर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर फॉर द डेजर्ट फेस्टिवल। आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द लोकल कल्चर, डिस्कवर द स्टेट ऑफ राजस्थान इन इंडिया. And I personally really appreciate how spectacular everything is, how thorough it is, seeing the turban tying competition, seeing the sports, the performances. राजस्थान के जैसलमेर में इन दिनों मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देसी और विदेशी सैलानी हिस्सा ले रहे हैं और उसका उत्सव का आनंद ले रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति की, तो मरु महोत्सव के माध्यम से राजस्थान की जो संस्कृति है वो देसी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। 1989 में जैसलमेर में मरु महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से लगातार ये जो मरु महोत्सव है पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव के माध्यम से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होता है। मरु महोत्सव के दौरान अनेक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो सैलानी है उनका इन्वॉल्व इन प्रतियोगिता में होता है और वो बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। कई रुचिकर प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं, जिसके लिए जो दर्शक सैलानी है वो साल भर तक इंतज़ार करते हैं। इस समय पूरे जैसलमेर में मरु महोत्सव की रौनक बनी हुई है और बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। चूँकि एक बड़ा आयोजन इस दौरान होता है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं इस मरु महोत्सव के माध्यम से एक उत्साह मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।